हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी लोड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ शलगम की सब्जी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आइए जल्दी से इसे बनाना हम शुरू कर लेते हैं। शलगम की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए शलगम, हरे मटर, मेथी, टमाटर की प्यूरी, हरी मिर्ची, जिंजर का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी, लौंगी मिर्च, जीरा, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नमक और ये हींग। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने इस शलगम को पहले से पूरे अक्खे धो लिए थे, सुखा लिए हैं। अब मैं इसे दोनों साइड से कट कर लूंगी और इसका जो ऊपर का छिलका है उसे हम निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। दोनों साइड से इसे हम कट करके इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी लिया है, इसे हम पानी में डालते रहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। मैंने यहाँ पे सारे शलगम को छिल लिया है अच्छी से और इसे अच्छी से मैंने साफ पानी में धो लिया है। धो लेने के बाद में अब मैं इसे दो पीसेस में कट करूंगी और यहाँ पे इसे इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस कर लूंगी। आप चाहे तो इसे अपने पसंद से कोई भी थोड़ा और मोटे आकार में भी कट कर सकते हैं, बट इस तरीके से कट करेंगे तो ये जल्दी से बन जाएंगे, इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारे शलगम को कट कर लिया है। तो आइए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये जीरा, जिंजर का पेस्ट, इसे हल्का सा मैं ब्राउन कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और इन सबको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी ये शलगम। इसे मैं अच्छी से इन सब में मिला लूंगी, अच्छी से मिक्स कर लूंगी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ऊपर से ये रेड चिली पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने ज्यादा करके इसमें ड्राई मसाले डाले हैं। हम इसे सबसे पहले शलगम को अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये हाफ कप पानी डाल दिया है इसमें और गैस को यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे ढककर धीमी आंच पे पकने दूंगी। 5 या 6 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। आइए देख लेते हैं, हमारे 5 या 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे पकना शुरू हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि जैसे ये पक जाएंगे एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। इसे मैं वापस 5 मिनट तक और थोड़ा सा पका लूंगी। जब तक ये हमारे शलगम तैयार होते हैं, आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे इस पैन में मैंने तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तेल देखिए हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। यहाँ पे मैंने डाल दी है हींग, लौंगी मिर्च। यहाँ पे मैं डाल दूंगी ये जिंजर का पेस्ट। हल्का सा इसे हम पका लेंगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दी ये हरी मिर्च। अब मैं यहाँ डाल दूंगी ये टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने गैस को स्लो फ्लेम पे रख दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये पानी, 1/2 कप पानी, 1/2 से भी थोड़ा लिया है मैंने इसमें पानी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये मटर। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये मेथी। मेथी को मैंने अच्छी से मेथी के पत्ते निकाल कर धोकर कट कर लिया था। ये एकदम फ्रेश मेथी है, तो इस मेथी की जो खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे ये जो शलगम की सब्जी है ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, और जो शलगम है ये ज़्यादा करके नॉर्थ साइड में लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और ठंड के मौसम में हमें ये शलगम की सब्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। शलगम अब मैं इसे ढककर करीबन 2 या 3 मिनट तक हम इन मसालों को पका लेंगे। आइए देख लेते हैं, हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। आइए चलते हैं अभी हमारे शलगम की तरफ, वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब जो हमने ये मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसे अच्छे से हम शलगम में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने लास्ट संडे ही आपको लोड़ी और मकर संक्रांति की एक स्पेशल रेसिपी बताई थी, आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। ऊपर दिए गए लिंक पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आप उस डिश को इस लोड़ी और मकर संक्रांति में ज़रूर बनाइएगा। एक बार फिर से मैं इसे करीबन 3 या 4 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। ढककर हम इसे पका लेंगे। हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी शलगम की सब्जी है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें हमने हरे मटर का फ्लेवर और मेथी का फ्लेवर डाला है, जिससे इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। ये एकदम मैंने यूनिक स्टाइल में बनाई है और बड़ी ही आसानी से बन जाएगी। तो ये हमारी शलगम की सब्जी जो है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे मैं गार्निश कर दूंगी हमारे फेवरेट हरा धनिया के साथ में। तो जल्दी से आप मेरे इस वीडियो को नोट कर लीजिए। कैसी बनी है ये सब्ज़ी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने घर पे जब आप बनाएंगे तो आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you for watching and bye-bye. Love you all.